नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हाल ही में हरियाणा के निकाय चुनावों का परिणाम घोषित हुआ है और जिताऊ उम्मीदवारों के खेमे में काफ़ी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नवनिर्वाचित चेयरमैनों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। चेयरमैनों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया और उनका धन्यवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे सभी नव निर्वाचित चेयरमैनों का दुष्यंत चौटाला ने आभार किया और उनकी जीत पर उन्हें बधाई भी दी। नू नगर परिषद से चेयरमैन संजय मनोचा, चीका नगर पालिका से चेयरपर्सन रेखा रानी, शाहबाद नगर पालिका से चेयरमैन गुलशन क्वात्रा मिले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से। आपको बता दें कि इस अवसर पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, वरिष्ठ नेता डॉक्टर केसी बांगड़, विधायक ईश्वर सिंह, विधायक रामकरण काला, विधायक नैना चौटाला व पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में एक और जो स्थानीय निकाय चेयरमैन की सीट आई है, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की, डिप्टी सीएम का आभार जताया। डिप्टी सीएम ने मुंह मीठा कराकर कमलेश सैनी को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि कमलेश सैनी जेजेपी की ही नेता हैं। उन्हें जेजेपी के टिकट पर ही 2019 में विधानसभा चुनाव नारनौल से लड़ा था। इस बार नगर परिषद में बीजेपी के हिस्से नारनौल आने से कमलेश सैनी ने बागी होकर चुनाव लड़ा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा यानी 14,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। चेयरपर्सन बनने के बाद एक बार फिर से वे जेजेपी बीजेपी गठबंधन के साथ जुड़ी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनका आभार किया, उनका स्वागत किया और मुँह मिठा कराकर उन्हें बधाई भी दी।